लाए। अधीर रंजन जी प्लीज, इस सदन की संसदीय परंपराएं बहुत ही उच्च रही हैं। इस सदन में काफी अनुभवी, तीन तीन चार चार दशक से राष्ट्र के सवालों को उजागर करने वाले, सुलझाने वाले, लगातार प्रयत्न करने वाले वरिष्ठ महानुभाव भी सदन में विराजमान है। मुझ जैसा एक नया व्यक्ति जब कुछ कह रहा है, सदन की गरिमा और मर्यादाओं में कोई चूक हो जाए तो नया होने के नाते आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लोकसभा में 50 से अधिक आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। मैंने सदन में रहते हुए कुछ और कुछ मेरे कमरे में बैठ करके, लेकिन करीब करीब सभी भाषण मैंने सुने हैं। आदरणीय मल्लिकार्जुन जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, डॉक्टर थंबी दुराई जी, भर्तुहरी जी, टीएमसी के नेता, सभी वरिष्ठ महानुभावों को मैंने सुना। एक बात सही है कि एक स्वर ये आया है कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, कैसे करोगे, कब करोगे। मैं मानता हूं एक सही विषय को स्पर्श किया है और एक मन में आना बहुत स्वाभाविक है। मैं एक अनुभव बताता हूं अपना। मैं नया नया गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था और एक बार मैंने सदन में कह दिया, मैं गुजरात के गांवों में, घरों में 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहता हूं। तो खैर, ट्रेजरी बेंच ने बहुत तालियां बजाई, सामने की तरफ सन्नाटा था, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता थे, चौधरी अमर सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, बड़े सुलझे हुए थे। वे बाद में समय लेकर के मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, मोदी जी कहीं आपकी कोई चूक तो नहीं हो रही, आप नए हो, आपका अनुभव नहीं है और आप ये 24 घंटे बिजली इम्पॉसिबल है, आप कैसे दोगे। और एक मित्र भाव से उन्होंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। मैंने उनसे कहा कि मैंने सोचा है और मुझे लगता है कि हम करेंगे। बोले, संभव ही नहीं है, 2000 मेगावाट अगर डेफिसिट है और आप कैसे करोगे। उनके मन में वो विचार आना बड़ा स्वाभाविक था, लेकिन मुझे इस बात का आनंद है कि वो काम गुजरात में हो गया था। और इसलिए यहां बैठे हुए कभी वरिष्ठ महानुभाव के मन में सवाल आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई अभी तक नहीं हुआ, अब कैसे होगा। अभी तक नहीं हुआ इसलिए शक होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो रास्ता प्रस्तुत किया है उसको पूरा करने में हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हमारे लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये सिर्फ परंपरा और रिचुअल नहीं है, हमारे लिए उनके माध्यम से कही हुई हर बात एक सेंटिटी है, एक पवित्र बंधन है और उसे पूरा करने का हमारा प्रयास भी है और यही भावना हमारी प्रेरणा भी बन सकती है जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है।
और इसलिए राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को आने वाले समय के लिए हमने हमेशा एक गरिमा भी देनी चाहिए, उसको गंभीरता भी देनी चाहिए और सदन के हम सब ने मिलकर के उसको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। जब मतदान हुआ, मतदान होने तक हम सब उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में आने के बाद हम जनता के उम्मीदों के दूत हैं। तब तो हम उम्मीदवार थे, लेकिन सदन में पहुंचने के बाद हम जनता की उम्मीदों के रखवाले हैं। किसी का दायित्व दूत के रूप में उसको परिपूर्ण करना होगा, किसी का दायित्व अगर कुछ कमी रहती है तो रखवाले बनकर के पूरी आवाज उठाना, ये भी एक उत्तम दायित्व है। हम सब मिलकर के उस दायित्व को निभाएंगे। मुझे इस बात का संतोष रहा कि अधिकतम इस सदन में जो भी विषय आए हैं, छोटी मोटी नोकझोंक तो आवश्यक भी होती है, लेकिन पूरी तरह सकारात्मक माहौल नजर आया। यहां भी जो मुद्दे उठाए गए उसके भीतर भी एक आशा थी, एक होप थी, यानी देश के 125 करोड़ नागरिकों ने जिस होप के साथ इस संसद को चुना है उसका प्रतिध्वनि इस तरफ बैठे हुए या उस तरफ बैठे हुए सबकी बातों में मुखर हुआ है। ये मैं मानता हूं एक शुभ संकेत है भारत के भाग्य के लिए। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में चुनाव, मतदाता, ये परिणाम, उसकी सराहना की। मैं भी देशवासियों को अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कई वर्षों के बाद देश ने स्थिर शासन के लिए, विकास के लिए, सुशासन के लिए मत देकर के 5 साल के लिए विकास की यात्रा को सुनिश्चित किया है। भारत के मतदाताओं की ये चिंता और उनका ये चिंतन और उन्होंने जो हमें जिम्मेवारी दी है उसको हमें परिपूर्ण